it's all because I'm working on my energy. Cleaning up, I'm taking care of all myself and me. Drinking coffee, take a sip, they say I'm sparkling. Manifest, I write it down, you know it's happening. Looking on my dream life. तो आज मैं आपको लेकर आया हूँ एक ऐसे मेले में जो हर साल अपने रंग और रौनक से लोगों का दिल जीत लेता है। आज हम देखने वाले हैं लाल किले का और दिल्ली का सबसे बड़ा दशहरा मेला, जहाँ हर साल हर जगह से हर उम्र के लोग यहाँ रावण दहन देखने और मस्ती करने आते हैं। वीडियो में मैं आपको यहाँ के झूले, गेम्स और खाने पीने के रेट भी बताने वाला हूँ, ताकि आपको पता चल सके कि आप कितने रुपए खर्च करके यहाँ घूमने और मेला देखने आ सकते हो। तो वीडियो में बने रहिएगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कमेंट में जय श्री राम का नारा लगा के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक भी कर दीजिए और तैयार हो जाइए कुछ नया और मजेदार देखने के लिए। जैसे ही आप मेले में एंटर करोगे, यहाँ की रौनक आपका दिल खुश कर देगी। हर तरफ खाने पीने की चीजों से सजी दुकानें, बच्चों के खिलौने, झूले और रंग बिरंगी लाइट्स की जगमगाहट। सच में यहाँ की चहल पहल के क्या ही कहने। बच्चों और बड़ों के लिए यहाँ कई मजेदार झूले हैं। ये देखिए, ना केवल छोटे बच्चों के लिए झूले हैं, बल्कि बड़े बड़े झूलों पर भी लोगों की लाइन लगी है। इतनी लंबी लाइन मैंने भी रिसेंटली आईफोन 16 के लॉन्च होने पर एप्पल स्टोर के बाहर देखी थी। यहाँ आपको एक ही मेले में दो अलग अलग जगह रामलीला देखने को मिल जाएगी। तो जरा सोचिए ये कितना बड़ा मेला होगा। यहाँ हर साल कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं और लोगों के दिल में इस खूबसूरत रामलीला के जरिए हमारी संस्कृति को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस मेले का जो सबसे खूबसूरत और अट्रैक्टिव अट्रैक्शन है, वो है यहाँ का ये अंडरवाटर एयर कंडीशन एक्वेरियम, जहाँ आप मजा ले सकते हैं दुबई जैसे अंडरवाटर टनल टाइप एक्वेरियम का, जिसमें आपको एक से एक बड़ी और छोटी मछली देखने को मिलेगी। यकीन मानिए, यहाँ आप एक नया एक्सपीरियंस करोगे। अगर बात करें इसकी टिकट की, तो इसकी टिकट सिर्फ 100 रुपए पर पर्सन है, और आप अंदर जाकर 5, 10, 15 मिनट जितना चाहे उतना घूम सकते हैं और फोटो के साथ साथ वीडियो और रील्स भी बना सकते हैं। और अगर आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ यहाँ आने का प्लान कर चुके हैं तो ये एक्वेरियम देखना बिल्कुल मिस मत करना। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ के झूलों के प्राइस की। तो जो बच्चे वाला झूला है, इसका प्राइस है 50 रुपीज फॉर 5 मिनट। यहाँ आपको एक भूत बंगला भी देखने को मिलेगा, जिसकी टिकट है सिर्फ 50 रुपीज। इस ट्रेन वाले झूले में आप अपनी फैमिली के साथ बैठ सकते हो, जिसकी टिकट है 100 रुपीज पर पर्सन। और ये ब्रेक डांस वाले झूले की टिकट भी 100 रुपीज पर पर्सन है। बच्चों के लिए इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। इसकी टिकट है 50 रुपीज पर पर्सन फॉर 5 मिनट, और इस झूले की टिकट 100 रुपए पर पर्सन। और ये बलून्स को शूट करने वाला तो आपने देखा ही होगा, इसका प्राइस है 100 रुपीज फॉर 12 शॉट। इस वाले झूले की टिकट भी 100 रुपीज पर पर्सन। और सबसे मजेदार, ये जो राउंड वाले झूले हैं, इनकी टिकट भी 100 रुपए पर पर्सन है। और इनकी क्वांटिटी इस मेले में इतनी ज्यादा है कि आपको लाइन में लगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 3 झूले आप अभी देख पा रहे हो, और दूसरी साइड भी ऐसे वाले 3 से 4 झूले लगे हुए हैं। और अगर आप यहाँ अपने बच्चों को लेकर आते हो, तो उन्हें ये बम्पर कार राइड कराना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसका जो टिकट प्राइस है, वो भी सिर्फ 100 रुपीज पर पर्सन है फॉर 5 मिनट। कुछ लोग इस मेले को आधे ही घूम के आ जाते हैं, लेकिन उन्हें बता दूं कि ये मेला काफी बड़ा है। यहाँ से जाने के बाद आप देखते हो कि अभी तो और भी मेला लगा हुआ है। और इस वाले मेले में आपको देखने को मिलेगा एक एयर कंडीशन फूड कोर्ट, जिसमें आपको थोड़ी महंगी लेकिन अच्छी चीज खाने को मिलेगी। यहाँ काफी सारे स्टॉल है, जिसमें आप कुल्फी से लेके चाट, भल्ले पापड़ी, फलूदा और भी बहुत सारी चीजें ट्राई कर सकते हो। इसका जो पूरा मेन्यू है, वो आप यहाँ देख सकते हो। यहाँ आपको रामलीला भी देखने को मिलेगी, जहाँ सिटिंग का भी अच्छा खासा बंदोबस्त किया हुआ है। आप चेयर लेकर बैठकर आराम से रामलीला का भी आनंद ले सकते हो। थोड़ा सा आगे चलकर आपको एक और एयर कंडीशन फूड कोर्ट देखने को मिलेगा, जो बिल्कुल पहले वाले की तरह है। एसी लगा हुआ है, काफी सारे स्टॉल्स हैं, काफी सारे फूड्स हैं जो आप ट्राई कर सकते हो। स्ट्रीट फूड, क्यूजीन, सारा कुछ है। तो आप मेले में जाते वक्त एक बार इसे जरूर चेकआउट कीजिएगा। इसके अलावा यहाँ आपको काफी सारे फेमस ब्रांड के स्टॉल भी मिल जाएंगे, लाइक क्रिस्टल, सिग्नेचर एंड हल्दीराम। इस मेले में आपको दो अलग अलग जगह रामलीला देखने को मिलेगी, तो अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करने वाले हैं तो इन दोनों रामलीला को जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, ये था लाल किले का और दिल्ली का सबसे बड़ा दशहरा मेला। तो उम्मीद करता हूँ इस वाले ब्लॉग से आपको काफी कुछ समझने को मिलेगा कि आपको इस मेले में जाने के लिए कितने का बजट लेके जाना है, कौन कौन से झूले कितने कितने रुपए के हैं। अगर आप भी अपने शहर में दशहरा मना रहे हैं तो कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा है, जाने से पहले एक बार लाइक करके अपने किसी रिलेटिव या फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।